हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कविता गुड फूड। आज हम बनाने वाले हैं शाही चिकन कोरमा की रेसिपी। अगर आपके घर में जब भी कोई मेहमान आए, आप इसे एक बार जरूर बनाकर खिलाएं। इसे हम बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। यहाँ मैंने 1 kg चिकन को अच्छी तरह वॉश करके रखा हुआ है। उसमें मैंने 1/2 चम्मच नमक ऐड किया है। इसके साथ साथ 1 चम्मच के लगभग हल्दी, धनिया पाउडर है ये, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड किया है। आपको जितना तीखा खाना हो आप इसमें डाल सकते हैं। 2 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। मैंने एक साथ पीस कर डाला है, आप चाहे तो अलग अलग पीस कर भी डाल सकते हैं। 4 चम्मच हम इसमें दही ऐड करेंगे। ज़्यादा दही ऐड ना करें क्योंकि हमें बाद में भी इसमें दही डालना है। इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आप चाहे तो हाथों की हेल्प से भी इसे अच्छी तरह मैरिनेट कर लें, बिल्कुल अच्छी तरह। और इसे 1/2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दें। यहाँ मैंने पेस्ट तैयार किया है काजू और 4 मगज का। अब हम एक कढ़ाई में तेल लेंगे। तेल अच्छी तरह गर्म होने के बाद हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। 4 प्याज लिया है मैंने, बिल्कुल पतले पतले स्लाइस में इसे काट लें। और इसे ऐसे ही चलाते रहे, प्याज को हमें छोड़ना नहीं है वरना ये जल जाएगा। इक्वली हमें ऐसे ही चलाते रहना है चारों तरफ। थोड़ा सा नमक ऐड किया है मैंने ताकि जल्दी से प्याज फ्राई हो जाए। गोल्डन फ्राई करना है, जलाना नहीं है हमें इसे, याद रखें। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे, ठंडा होने के लिए रख देंगे। और उसी कढ़ाई में हम 2 तेज़पत्ता डालेंगे, 3 लौंग, 1 दालचीनी, 2 हरी इलायची छोटी, 3 से 4 काली मिर्च। अब हम चिकन डाल देंगे इसमें, मैरिनेट किया हुआ चिकन। धीरे धीरे करके सभी चिकन को हम इसमें डाल देंगे और हाई फ्लेम में इसे 5 मिनट के लिए बना लेंगे। जब तक चिकन अपना मॉइस्चर नहीं छोड़ सकता तब तक हम इसे हाई फ्लेम में बनाएंगे। फिर लो फ्लेम में इसे हम ढक के रख देंगे ताकि चिकन अच्छी तरह गल जाए। दूसरे साथ हम एक तावे में कुछ मसाला तैयार करेंगे, जिसमें थोड़ा सा जीरा, इलायची, लौंग, दालचीनी और 1 दालचीनी स्टिक लिया है। दूसरी तरफ हम प्याज को पीस लेंगे बिल्कुल अच्छी तरह और भुनी हुई मसालों को इसमें डाल देंगे। देखिए दरदरा पीसा है मैंने। चिकन को खोलकर हम देखेंगे, चिकन बिल्कुल अच्छी तरह गल गया है। अब हम इसे अच्छी तरह चला लेंगे चारों तरफ से, ऊपर से नीचे की ओर। इसके साथ साथ हम पिसी हुई मसाला डालेंगे इसमें, पेस्ट जो तैयार किया है काजू का मैंने। साथ साथ इसमें हम थोड़ा सा दही ऐड करेंगे, 3 से 4 चम्मच के लगभग। चिकन में हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे बिल्कुल अच्छी तरह। देखिए अच्छी तरह मिक्स कर लिया है मैंने, चिकन बिल्कुल अच्छी तरह पक चुका है। इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। थोड़ा सा नमक ऐड किया है मैंने स्वाद अनुसार, आप टेस्ट कर ले, नमक ठीक हो तो दोबारा ना डालें। ग्रेवी के लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, मैंने थोड़ा ही पानी लिया है। आपको जितना चाहे आप उतना पानी ले सकते हैं, जितना आपको ग्रेवी तैयार करना है। फिर इसे ढककर हम पका लेंगे 3 मिनट के लिए। ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है हमारा चिकन, इसे हम अच्छी तरह चला लेंगे। बिल्कुल अच्छी तरह चला लेंगे। फिर हम इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें पिसी हुई प्याज को डाल देंगे, बारीक पिसी हुई प्याज और भुनी हुई मसालों जो मैंने साथ में पीसा था, बिल्कुल अच्छी तरह मिला लेंगे इसे। अब इसमें हम थोड़ा केवड़ा पानी लेंगे। आपको इसका स्वाद अच्छा नहीं लगे तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। देखिए रेडी हो चुका है शाही चिकन कोरमा की रेसिपी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। थैंक यू।